स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 11, क्लास 7th। मेल एंड रिप्रोडक्टिव जो सेल होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इनको गैमेट्स बोलेंगे और ये मिक्स होके जाइगोट बनाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। जो स्पोर्स होती हैं ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड होते हैं या सेवरल सेल्ड भी हो सकते हैं, जो ज़्यादातर स्फेरिकल होते हैं शेप में। तो स्पोर्स इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन ही है पूरी, कि जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के, उनको बचा सकते हैं हम इस मेथड से। पोलिनेशन जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है सीड फॉर्मेशन का। जो फ्रूट है ये सीड बेयरिंग पार्ट होता है, यानी कि फ्रूट में सीड होते हैं। प्लांट्स के अंदर ओनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड फॉल्स है, दोनों तरह से होती है प्लांट में रिप्रोडक्शन। एल्गी जो है लेयरिंग से मल्टीप्लाई करेगा, ये भी फॉल्स है। पिस्टिल जो है इसमें कहते हैं एंथर होंगे, तो गलत है, एंथर है ही मेल पार्ट। सक्सेसफुल पोलिनेशन के बाद स्टिग्मा न्यूट्रिएंट्स को सेक्रेट करेगा, ट्रू है। विंड जो होगी वो पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके जाएगी, तो ये सही है। नेक्स्ट लिखना था, यीस्ट किस मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, बडिंग से। कौन सा मेथड होता है, ये लेयरिंग मेथड है पूरा, जिसमें एक स्टेम जो होता है ग्राउंड के नीचे ही चला जाता है और उससे नया प्लांट बनता है, तो लेयरिंग इसका आंसर है। अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा होता है, जिसमें स्केल्स होते हैं जो फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं, तो बल्ब है ये। फ्लोर कंटेन में मेल गैमेट्स कौन से होंगे, ये एंथर होते हैं। राइपेंड ओवेरी इसको फ्रूट बोलते हैं। बल्ब की एग्जांपल ओनियन है। दी अडल्ट ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस में 2 या मोर पीसीज में स्प्लिट हो जाता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है। बर्ड्स कौन सी होती हैं, जिसमें आइस होती हैं, जिससे न्यू प्लांट निकलते हैं, ये ट्यूबर्स होते हैं। पिस्टिल का पार्ट कौन सा नहीं है इसमें, तो ये स्टेमेन आएगा। इसमें से किसमें बर्ड्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं न्यू प्लांट्स को, तो राइजोम में आएगा इसमें, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट, कौन से प्लांट होते हैं जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्पाइरोगायरा एंड फ्यूकस होते हैं। प्लांट्स जिनमें ट्यूबरस रूट्स होती हैं, स्वीट पोटैटो एंड दलिया है, जिसमें कॉर्न्स होते हैं, ग्लेडियस एंड क्लोसिका है ये। फिर कटिंग के थ्रू कौन से मल्टीप्लाई करते हैं, शुगर केन और रोज। लेयरिंग के थ्रू ग्रेप्स एंड जैस्मिन। जो विंड के थ्रू पोलिनेट करते हैं वो वीट एंड राइस हैं। जो वाटर के थ्रू पोलिनेट करते हैं वो सीग्रास एंड वेलिसनेरिया हैं। डिस्पर्स जो एक्सप्लोजन के थ्रू करते हैं वो पील प्लांट्स एंड बाल्सम हैं। नेक्स्ट, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो स्वोलन क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें फूड कंटेंट होता है, इसीलिए वो स्वोलन होते हैं। ये वाला आएगा पेज नंबर 163 पे है। दे आर मोस्टली स्वोलन बिकॉज दे हैव फूड स्टोर्ड इन देम, फर्स्ट शॉट। नेक्स्ट सेकंड है, फिर डिफरेंस करना है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में, और सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में। ये कीवर्ड्स में मिल जाएगा आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेकंड का फर्स्ट शॉट है, ठीक है। और सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, ये दोनों फर्स्ट के ही शॉट हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में लिखना था। फिर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, ये सेकंड का सेकंड शॉट है, कीवर्ड्स में ही मिल जाएगा ये आपको। नेक्स्ट इज, सीड्स को डिस्पर्स करने की ज़रूरत क्यों होती है। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स यहाँ से लेके न्यू हैबिटेट तक 171 पेज पे है ये, ताकि सीड्स एक ही जगह पर ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो उनमें कंपटीशन हो जाएगा फिर। नेक्स्ट फर्स्ट लॉन्ग है, वेरियस स्टेप्स लिखने थे जो टिश्यू कल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। 165 पेज पे ये 4 पॉइंट्स हैं, ये नंबर वाइज लिखने हैं, यही टिश्यू कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेजेस क्या हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। पेज नंबर 166 पे है एडवांटेजेस से, ये पूरी 4 एडवांटेजेस लिख देनी है, 3 एडवांटेजेस हैं, ये सारी लिख देनी है आपने, सेकंड लॉन्ग है ये। नेक्स्ट इज, व्हाट हैपेंस आफ्टर सक्सेसफुल पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद क्या होगा। पेज नंबर 169 पे है, थर्ड लॉन्ग, आफ्टर सक्सेसफुल पोलिनेशन के बाद, यहाँ तक पूरा आएगा, पेज नंबर 169 है ये। नेक्स्ट लॉन्ग, सीड डिस्पर्सल की टाइप्स लिखनी है, तो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन यहाँ तक कर देना, डिस्पर्सल बाय विंड यहाँ तक, फिर डिस्पर्सल बाय वाटर यहाँ तक, ये 3 करते हैं, वैसे तो 4 हैं, पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फिर।
तो इतना ही बहुत है, ये सारा फोर्थ लॉन्ग है।